आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मिर्जापुर जिले में नव निर्मित सड़कों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वर्चुअल उन्होंने आजमगढ़ से जिले में 39.70 करोड़ से निर्मित 102.12 किलोमीटर लंबाई के 14 मार्गों का लोकार्पण किया। जिले में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शिला पट्टों का अनावरण किया। इस मौके पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जनपद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल विकास की सौगात सौंपा है। जिले में 14 मार्गों को जो 102 किलोमीटर से अधिक लंबा है, जिस पर 39.7 करोड़ खर्च किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अनुप्रिया पटेल ने बताया कि 2021 से 22 और 2022 से 23 में स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों पर काम किया गया है, जिसकी जनता मांग कर रही थी, जिसे मैंने सूची से शामिल कराया था। जनपद मिर्जापुर को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वर्चुअली एक और बड़ी विकास की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 14 मार्ग जो 102 किलोमीटर से अधिक लंबाई के हैं और जिन पर कुल लगभग 39.7 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है, ये सभी 14 मार्ग बनकर तैयार हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया गया है। क्या सुविधाएं अब मिलेंगी क्षेत्रवासियों को? देखिए, ये कई मार्ग थे जो वित्तीय वर्ष 21-22 और 22-23 में स्वीकृत हुए थे और उसमें से 14 बनकर पूरे हो गए हैं, जिसकी लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे। जैसे लालगंज से बडीहा है, चुनार राजगढ़ से भेड़ी तक है, भगोड़ा एलडी रोड से धुरकर तक है, एलडी रोड से रैकरी तक है। इस तरीके से ये 14 अलग अलग मार्ग हैं जिनकी जनता के बीच में से लगातार मांग उठी थी और इनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्ताव में मैंने सम्मिलित कराया था और इसमें से 14 मार्ग पूरे हो चुके हैं और आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जनता को समर्पित कर दिए गए। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।